परी करेगी भांडा फोड़ तोशु और केंजल का, लाएगी अनुपमा के सामने अपने ही माता पिता की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। परी एक ऐसा करेक्टर आया है अनुपमा की जिंदगी में जिसको एंजल का नाम भी दिया गया है। एंजल यानी वो अच्छी आत्मा जो सबके लिए सब कुछ अच्छा ही सोचती है, अच्छा ही करती है। अब अनुपमा से परी का प्रेम है, दादी को वो पसंद करती है और दादी उसकी जरा सी बीमारी पे भागी भागी जाती है और ये जो फीलिंग है ये परी फील करेगी। मगर परी के सामने उसके माता पिता भी हैं। अब क्या परी उनको नोटिस नहीं करेगी? क्या परी अपनी दादी के प्रति ईमानदारी नहीं बरतेगी? चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक गीत है बच्चों के ऊपर, बच्चे मन के सच्चे, तो ये वाला गीत परी पे बिल्कुल फिट बैठेगा आने वाले समय में। केंजल और तोशु जिस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ अनुपमा से खेल रहे हैं, अनुपमा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि केंजल ऐसा कर सकती है। केंजल अपना स्वार्थ पूरी तरह से दिखा रही है मगर प्यार में लपेट के। वो इस चीज को बहुत लाइटली ले रही है कि मम्मी है तो मम्मी करेगी ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूं, मम्मी है तो करती ही हैं और हम भी तो मम्मी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो इससे लाइटली वैसी चीजों को ले रही है मगर अंदर से वो अपना स्वार्थ पूरा कर रही है, नैनी का काम करवा के, बर्तन साफ करवा के। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि अभी जितनी बार भी दूसरी तीसरी बार जाएगी तो रात को ही फोन किया और रात को जाती, रात रुकती है, उसको पता है कि मॉर्निंग हमारी अच्छी होगी, दिन अच्छा होगा, फिर हम भी काम पे, मम्मी भी काम पे, ताकि मम्मी भी घर पे ना रहे और सारा काम होता रहे। हर रोज परी का बहाना बनाएगी क्या? मगर इस बार ये बहाना फिर से चल गया। परी के बहाने फिर से केंजल ने मैसेज करके अनुपमा को बुला लिया। यस, अनुपमा को नहीं जाना चाहिए मगर जहां पे बच्चों की बीमारी, बच्चों को लेके बात आती है तो अनुपमा तो ये सोच ही नहीं सकती कि एक परी जो उसकी पोती है, उसकी माँ, उसके लिए अनुपमा को बुलाने के लिए परी की बीमारी का बहाना बनाएगी। क्योंकि अनुपमा अभी केंजल को उस तरह से देख ही नहीं रही है, ये तो हम देख रहे हैं मगर परी देख रही है। क्योंकि परी तो अपने माँ बाप के साथ रहती है, उसने उनके झगड़े भी सुने हैं और झगड़े में ही उसने ये सच बोल दिया था कि मैं दादी के पास चली जाऊंगी, जबकि केंजल ने उसको कहा था कि ये हमारा सीक्रेट है, हम बताएंगे नहीं, मगर झगड़े में परी ने बोल दिया। अब यहां पे भी दोस्तों ऐसे ही परी इन दोनों का भांडा फोड़ेगी। क्योंकि जब परी को यह समझ में आ जाएगा कि मेरे माता पिता कितने स्वार्थी हैं, मेरी दादी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट है परी, तो वो दादी को बताएगी कि दादी आप यहां मत आओ, बोल सकती है वो, बहुत जल्दी बोलेगी, तो इनके पैरों तले से जमीन खिसकेगी और अनुपमा भी देखती ही रह जाएगी कि ये है मां बाप जो अपने बच्चे को ये सब उसके सामने कर रहे हैं। क्योंकि वो तो सोचेंगे कि इसका क्या बच्चे को फर्क पड़ेगा, मगर बच्चे को फर्क पड़ता है भाई। इसलिए परी आने वाले समय में इनका भांडा फोड़ेगी और फिर केंजल की सच्चाई अनुपमा के सामने आ जाएगी, क्योंकि तोशु तो जैसा है वैसा ही है। तो देखते हैं कब आती है, मगर आएगी जरूर। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.